कॉमेडी का किंग कौन? इस जंग में बचे हैं अब सिर्फ 9 महारथी और आज फिर किसी एक को जंग का ये मैदान छोड़कर जाना होगा, लेकिन कौन होगा वो फैसला करेंगे हमारे जजेस। प्लीज वेलकम दिव्या दत्ता और जसपाल भट्टी। खतरे की खाई में फंसे जो 3 महारथी आज मुकाबले में आमने सामने हैं, वो हैं काशिफ खान, खयाली और आमिर रैम्बो। जंग का पहला राउंड है स्टैंड अप कॉमेडी का। और सबसे पहले आ रहे हैं काशिफ खान। तो एक बार फिर काशिफ खान तेज रफ्तार लगातार मुसलसल मुस्तकिल लबोदहन को आमादा सुखन रखने वाला आप सबको सलाम पेश करता है। और लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि आप लतीफे बनाते कैसे हैं। मैंने कहा बनाते नहीं, मिल जाते हैं और ये आपको भी मिल सकते हैं, बस ढूंढने वाली निगाह होनी चाहिए। एक टिप देना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके बोलने का अंदाज बहुत अलग होता है, जैसे कि एक मशहूर कैरेक्टर है खान साहब, कभी बात करेंगे तो हाँ नहीं बोलेंगे, हम जा रहा था, हम जा रहा नहीं बोलेंगे, हमारा भाई, हमारा भाई नहीं बोलेंगे। तो मेरे एक दोस्त खान साहब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, एक दिन 0 पे आउट हो गए। मैंने कहा खान साहब आज क्या हो गया, बोला यार आज खेला नहीं जा रहा था। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक होता है और ये शौक हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस में बहुत ज़्यादा है। एक हमारी उभरी हुई फिल्म एक्ट्रेस, ताल्लुक ऊंचे घराने से और घराना इतना ऊंचा जहाँ ज़मीन भी छत से शुरू होती है। और अगर घराना कह रही हूँ तो ऐसे कहती हैं जैसे कह रही हूँ कि घराना। अमेरिका गई, वापस आई, मैंने कहा आप अमेरिका गई तो वहाँ तो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। कहने लगी नहीं, यस तो मुझे पहले से कहना आता था। बोली हमारे अब्बा पर्दे के इतने सख्त पाबंद थे कि हमारे यहाँ सब्जी भी बंद गोभी आती थी। मैंने पूछा पढ़ा क्यों नहीं, बोली एग्जामिनर से झगड़ा हो गया था, लड़ पड़ी, बोले आपने मुझे नंबर कम दिए। बोला बीबी पूरे 100 में से 100 तो दिए। कहने लगी लो 100 तो आपने वो दिए जो आपको बोर्ड की तरफ से मिले थे, कुछ अपने पास से देते तो बात थी। बचपन में मास्टर साहब ने पूछा, बोला बेटा ये बताओ कि 11 के बाद क्या आता है। कह लेंगे कसम ले लें 11 के बाद कोई नहीं आता। बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं जजेस की तरफ से इन्हें मिलते हैं कितने मार्क्स। आशिफ आप यार हमेशा हमें ना प्रॉब्लम में डाल देते हो, आप कब ऐसे हैं ना तो आप सेंचुरी मारते हैं, ऐसे भी नहीं है अभी हमेशा हर बार आप 100 नंबर ले गए, और ना ही है कि आप 0 बनाते हैं। तो हमें बीच में फंस के ना हमेशा आपको, और इसी चक्कर में आप निकल भी जाते हो और बीच वाले ही नंबर देने पड़ते हैं आपको। काशिफ जी ने जो भट्टी साहब ने कहा है आई टोटली अग्री विद हिम, मुझे भी बीच में बीच वाले ही नंबर देने पड़ेंगे। सो इट्स 6 फॉर यू। थैंक यू। प्लीज वेलकम आवर सेकंड कंटेस्टेंट खयाली। मेरे साथ आज काशिफ भाई और आमिर रैम्बो परफॉर्म कर रहे हैं और मैं उन दोनों को विनर घोषित करता हूं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और मैं अपने मन से, अपनी मर्जी से मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू। यार थोड़े एक दो कारण हमें बता दो। खयाली जी, could we have a word with you? I would request आप हमारे साथ शेयर करें। ये एक हमारा परिवार है, यार फैमिली है। आपने कहा है तो मैं सिर्फ दो ही पॉइंट बता रहा हूँ, सारे पॉइंट नहीं बताऊंगा। कल हमें गैग में 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है। मैंने 40 सेकंड अपना गैग परफॉर्म किया था, लाला भाई का गैग था 4 मिनट का, नेट 4 मिनट, कोई ये नहीं कि 3 मिनट 59 सेकंड था। उसके बावजूद हमारे से 2 नंबर फालतू मिले। परसों काशिफ भाई जुगलबंदी राउंड में फंस गए थे, 20 सेकंड बोले 10 सेकंड रुक गए थे, उनके 5 नंबर कट गए थे। कल लाला भाई भी 20 सेकंड बोले 10 सेकंड रुक गए थे, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। खयाली जी, इससे पहले कि आप आगे जाएं, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू प्लेस माई व्यूज़ हियर।
अगर आपके साथ रौफ लाला खड़े हैं तो मुझे उनसे कुछ खास दोस्ताना या कुछ नहीं कि मैं उन्हें ज़्यादा नंबर दूंगी। जब आप उनके मार्क्स वैसे आई एम नॉट एज अ जज आंसरेबल टू यू और टू एनी ऑफ द सीनियर सिटिंग हियर बिकॉज अगर मैं जज हूँ तो आई वुड अप्रिशिएट कि हमारा डिसीजन आप ना सिर्फ माने बल्कि उसके साथ अग्री करें। परसों आप मानते हो कि काशिफ ने 20 सेकंड बोला, 10 सेकंड रुक गया था, उसके नंबर कटे जी। कल लाला जी भी 20 सेकंड बोले, 10 सेकंड रुके थे, उनको कर... भी 10, मुझे भी 10, राजकुमार को भी 10। विल यू गिव अस अ क्रेडिट ऑफ सेइंग कि अगर वो रुके और उनको नंबर उतने ही मिले तो उन्होंने शायद कुछ खास किया होगा। विल यू गिव अस दैट क्रेडिट? मैं मानता हूं और प्रोबेबली आई लीव द सीट एंड गो। अगर आप हमसे मुतासिर नहीं हैं, हम उठ के यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा बट खयाली जी, अगर आपको कभी लगा हमारे जजमेंट में कभी कुछ, ये मुझसे सब सीनियर लोग हैं, अगर मुझे उनमें कुछ खामी लगी, मैंने बोला उनको, उनके सामने बोला, एंड अगर अच्छा लगा, हमेशा आप लोगों को सराहा है, चाहे मैं हूँ चाहे भट्टी साहब हूँ, हमारे मार्क्स चाहे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमें इतना कम्फर्ट तो दे दीजिए कि अगर हमने मार्क्स दिए हैं तो किसी वजह से दिए। वो तो सेकंड है ना मैम, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं उनको कम दिए तो दूसरे में ज़्यादा क्यों दिए, तो कोई रीज़न होगा जो दिए होंगे। मैं मानता हूँ ना उसको, मैंने तो आपसे कारण बताओ नोटिस दिया ही नहीं। हम आपको एक नोटिस दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ सब फैमिली हैं। एक अगर हमारा मेंबर जो बहुत ही अच्छा मेंबर है हमारा, हम नहीं चाहते कि हमें छोड़कर जाए, एंड मेरे ख्याल से सब हमारे साथ अग्री करेंगे। अगर आप जाएंगे यहाँ से या आमिर रैम्बो कहेंगे कि मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मुझे पर्सनल लॉस लगेगा कि हमारे डिसीजन की वजह से, या यहाँ इस ग्राउंड पे आपसे ज़्यादा कौन जानेगा, ये स्टैंड अप कॉमेडी ग्राउंड है, यहाँ पर एक सेकंड के फर्क से नंबर एक ऊपर एक नीचे जाता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सो आई वुड वांट कि आप लोग सब एंजॉय करते हुए आएँ ताकि हम लोग भी आराम से जजमेंट कर सकें। वी वुड रियली लाइक दैट। एंड आप सबको मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ हमें ऐसे प्रेशराइज ना करें, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग जजमेंट से ऊपर हैं, लेकिन क्योंकि ये गेम शो का फॉर्मेट है, हम आपको जज कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप हम पर थोड़ा सा विश्वास रखें। दैट्स इट। आपने इतना अच्छा बोला, मैं ये शो करने के लिए तैयार हूँ, ये शो शुरू कर रहे हैं। खयाली जी जी, बाकी डिमांड आपकी सारी शायद मान भी लेगा चैनल, लेकिन जजमेंट जो होगी वो ऐसे ही उल्टी सीधी होगी, ये आपको भी मानना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कैसे गीत आ रहे हैं जिनका कोई मतलब क्या है पता ही नहीं लगता। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। उससे पूछने वाला हो भी, ऊंची बिल्डिंग है, लिफ्ट बंद है, तू पेड़ियां चढ़ के आ नहीं सकता, प्यार क्या खाक करेगा। अच्छा, ये तो लड़कों ने जो माहौल बिगाड़ा है वो बिगाड़ा है, आप बुरा मत मानना, असली माहौल तो इंडस्ट्री का लड़कियों ने बिगाड़ा है। प्रेमिका बैठी, प्रेमी गा रहा है प्रेमिका को देखे कि तुम मुझे अपनी जुल्फों में बसा लो, साला प्रेमी नहीं हो गया, जूं हो गया। कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, फिर भी गाए जा रहे हैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं, ये बात बताने वाली थोड़ी है। तू नहीं उठाएगा, पड़ोसी आएंगे। ऐसे ऐसे गीत आ गए जिनके मतलबों का पता ही नहीं है। अब कहते पुराने गाने अच्छे थे, उन्होंने इससे भी ऊपर फेंकी, कोई 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब 100 साल से प्यार करते आ रहे हो, भूत भूतनी हो गया। मेरे ख्याल से इस घर के बिगड़े हुए बच्चे, आप थोड़ा सा नाराज होते रहा करें, बिकॉज आप फिर बहुत कमाल से आते हैं वापस। नॉट दैट यू फॉट एंड आई एम गिविंग यू दीज मार्क्स, बिकॉज यू ट्रूली डिजर्व देम। नाइन भाई, बहुत ही एक पुरानी आइटम आपने बहुत ही फ्रेश तरीके से प्रेजेंट की है, लग नहीं रहा था कि आपने इतनी टेंशन के बाद ये प्रोग्राम परफॉर्म किया, तो आपकी इस परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर आपके हैं 9। अब बारी है हमारे तीसरे कंटेस्टेंट की, प्लीज वेलकम आमिर रैम्बो। जब मैं होटल में सो रहा था कि मेरे पास मेरे दोस्त गुल खान आ गए रात को, कह रहा आमिर भाई, फिर क्या हुआ, कह रहा मैंने एक चोर पकड़ा है। मैंने कहा किधर है, कह रहा कमरे में बंद किया है, उसके पैर बांध किया है। पागल आदमी, पैर बांध के आया वो तो हाथ से खोलेगा भाग जाएगा। थोड़ी देर सोचा, नहीं भाग सकता, वो भी खान है। अच्छा, अंधे
अंधे जो होते हैं ब्लाइंड मैन, उनकी छठी ज़्यादा होती है। मैं एक होटल में खाना खा रहा था कि वो जो नाबीना आदमी वो आके बैठे, उन्होंने खाने को मांगा, वो आए होटल में। हाँ भाई, वेटर किधर है? साहब इधर। हाँ हाँ यार, कुछ खाने को ले आओ। क्या लाऊं? बम्बई की मुर्गी लाओ, जिंदा। जिंदा क्यों? हाँ मैं बम्बई खाऊंगा, चेक करके खाऊंगा। ठीक है, वेटर गया, एक मुर्गी ले आया। उन्होंने मुर्गी की चोंच खोली, उसके अलग में मुंह डाल ली, उंगली। नहीं, बम्बई की नहीं है, ये दिल्ली की है, दिल्ली की। वेटर परेशान, आपको कैसे पता लगा? बम्बई की चाहिए, बम्बई की। वो मुर्गी ले गया, उसके बाद फिर आया दूसरी मुर्गी लेके, फिर उसकी चोंच खोली मुर्गी की, फिर उसके मुंह में उंगली डाली। हाँ नहीं, बम्बई की है ही नहीं सर, नहीं ये गोवा की है। वेटर परेशान, इनको पता कैसे चल जाता है? वो फिर मुर्गी लाया, कह रहे साहब ये बम्बई की है। एक मिनट, हाँ ये, कह रहे साहब ये छोड़े बम्बई की, आपको पता कैसे चलता है? कह रहे बस अंदाजे से। ये तो छोड़ो, ये बता तुम कहाँ के रहने वाले हो? वेटर ने मुंह खोला, बोला मालूम कर लो। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं जजेस ने आमिर रैम्बो को कितने मार्क्स दिए हैं। आमिर, जो मुद्दा है वो हमें ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। I'll give you 7. तो सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं काशिफ खान। भाई साहब ये 40 नंबर की बस किधर से जाती है? क्या लोग हैं यार, बताते नहीं है। मैं रिक्शा लेता हूँ यार। अरे भाई साहब, आपने इनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे मुझे उससे बात करके उससे मार खानी थी। क्या दिखाने अपनी बेमिसाल अदाकारी, आपके सामने आ रहे हैं खयाली। ये क्या है भाई? यदि मैं पहले डांसर था। वेरी गुड। वो तकलीफ हो रही है, सांस नहीं आता। ओह देखता हूँ, सांस लीजिए, जोर से लीजिए, और जोर से लीजिए, और जोर से लीजिए। अबे फेफड़े निकाल लूं। मैं तुम्हारे लिए दवाई लिख देता हूँ, तुम इसे ले लेना। जी जी, ये लो। और मेरी फीस 500 रुपये। 500 रुपये तो नहीं है जी मेरे पास। तो 200 दे दो। नहीं 200 भी नहीं है मेरे पास। तो 100 दे दो। 100 भी नहीं है मेरे पास। तो यार 50 ही दे दो। मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हें पता था कि मैं इतना महंगा डॉक्टर हूँ तो मेरे पास आए क्यों? महंगे डॉक्टर, जब मेरी सेहत का मामला आता है मैं पैसे की परवाह नहीं करता। एक लाजवाब गैग लेकर आ रहे हैं आज की जंग के आखिरी महारथी। प्लीज वेलकम आमिर रैम्बो। यहाँ बिंदी लगा देते तो क्या जाता? और यहाँ सोने का हार बना देते तो क्या जाता? हर काम में आगे आगे क्यों आगे आती हैं? क्योंकि है ना, लेडीज फर्स्ट ना। ये तो हमारा एहसान मानिए, ये तो हम कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। वरना ऊपर वाले ने पहले आदमी को बनाया फिर औरत को। वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने सोचा था कि औरत को तो वो खूबसूरत बनाए
और आदमी की तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस नहीं कर रहा था क्योंकि ऊपर वाले ने औरत को बाद में इसलिए बनाया है क्योंकि वो अपने काम में भी दखल नहीं चाहता था। कौन चला जाएगा छोड़कर जंग का ये मैदान? जब तक जजेस इस बात का फैसला करते हैं, हम बुलाते हैं आज के तीनों महारथियों को स्टेज पर एक बार फिर से। प्लीज वेलकम। सबसे पहले जजेस हमें बताएंगे तीसरे और फाइनल राउंड के मार्क्स। सो जसपाल जी, काशिफ 8 नंबर आपके। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे दिखे, वेरी वेल परफॉर्म्ड। 8। ख्याली जी, आपके नंबर हैं 6। आई वुड गिव यू 7। आमिर, 9 नंबर आपके। थैंक यू। मैं इनका हाथ थाम के ही सेम नंबर दे। फाइनल मार्क्स है मेरे पास। काशिफ जी के, खयाली जी के और आमिर रैम्बो के। खयाली जी हमें आज छोड़कर जाना चाहते थे वापस, और मुझे लगता है कि जजेस और ऑडियंस को ये मंजूर नहीं क्योंकि उन्हें मिले हैं हाईएस्ट मार्क्स 50। थैंक यू। क्लोज कंपटीशन में 48 मार्क्स के साथ है आमिर रैम्बो। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। थैंक यू। काशिफ खान को मिलते हैं 39 मार्क्स। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा शो कोई और नहीं है इस वक्त, तो इसलिए इस शो के लिए जिंदाबाद। और जजेस हमारे दोनों ही बहुत प्यारे हैं। काशिफ, आपके लिए मैं कहूंगी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक कंटेस्टेंट को छोड़कर जाना पड़ा ये जंग का मैदान, लेकिन कॉमेडी का किंग वही होगा जिसमें आखिरी दम तक मुकाबला करने की हिम्मत होगी। कौन होगा वो, जानने के लिए देखते रहिए कॉमेडी का किंग कौन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।